बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ आज आपके साथ शेयर करनी हैं तीन। पहली स्टोरी ये है कि शाहराए दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मैदान जंग बन गया है। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज किया हुआ कि आंसू गैस, जनाब पुलिस सरगर्म हो गई, जनाब पूरी की पूरी रियासती मशीनरी सरगर्म हो गई। एक डेमोक्रेटिक राइट जो है एहतजाज पर, उस पर धावा बोल दिया गया। इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या मसला क्या है? दूसरा ये है कि कतर दोहा में पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं। मुझे एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई, वीडियो भेजी गई एक कतर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजी, उस पर बात करूँगा। और इसके अलावा जनाब ये बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीरे आज़म ऑफिस का एक जवाब रिजेक्ट किया, दूसरा जवाब जमा कराने का कहा, और बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और वो क्या है कि इसमें ये क्या सिलसिला है। पहले आ जाते हैं जनाब इस एहतजाज पर, कि जहाँ आप देखें कि जनाब पूरा इस्लामाबाद एक तरह से ब्लॉक हुआ हुआ है। वैसे तो शहराए दस्तूर, लेकिन वो ज़ाहिर है जो ट्रैफिक का फ़्लो होता है वो बिल्कुल जनाब पूरी की पूरी सड़कें भर गई हैं, और वो ट्रैफिक का फ़्लो इस तरफ है। पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, उसने धावा बोल दिया है सरकारी मुलाजमीन पर। डिमांड क्या है? डिमांड है, वो कहते हैं जनाब तनख्वाहें बढ़ाएं। आप रोज़ के हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं, रोज़ के हिसाब से बिजली बढ़ा, आप बिजली आज फिर महंगी हो गई है, खैर से तकरीबन कोई 1.5-2 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप गैस महंगी है, आती है कोई नहीं, गायब है, तो सारी चीज़ें उसमें वो कहते हैं कि रोटी पूरी नहीं हो सकती। और 2.5 साल हो गए हैं, 3 बजट तकरीबन पेश किए हैं, कोई मिनी बजट भी आया है, किसी में कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। मैं आमतौर पर कहता रहता हूँ, पहले जब बजट में होता था ना, इस तरह का बजट पेश होता था, तो सरकारी मुलाजमीन एक दूसरे से बेचारे पूछते थे, भाई आपकी कितनी तनख्वाह बढ़ी है। ये 2 बजट तहरीक इंसाफ ने पेश किए हैं जनाब, 2 या गालिबन 3 बजट, इसमें ये चलो पिछला बजट पहला हम नहीं गिनते, उसके बाद जो 2 बजट पेश किए हैं, इसमें लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे आपकी काम कितनी हुई है, ये फैक्ट है, आप ज़रा किसी से भी बात कर लें। वो जनाब मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, उन पर धावा बोल दिया गया। अच्छा, फिर ये होता है जनाब, ये कहा गया उन्होंने फलां कानून हाथ में लिया, उन्होंने ये कानून हाथ में लिया। वो कह रहे हैं जिन्होंने डी चौक पर 126 दिन का धरना दिया, जिन्होंने यूं बिलों को लहरा के कहा था कि मैं बिलों सरकारी यानी कि रियासत के, वो हुकूमत के बिल थे, रियासत के बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स को लहरा के यूं नीचे से तीली लगाई थी, लाइटर से उसको जलाया था कि मैं महंगी बिजली की कीमत अपने आपकी करप्शन की वजह से महंगी बिजली की कीमत मैं क्यों दूँ, याद है ना। जिन्होंने ये ऐलान किया था खड़े होके कि हुंडी से पैसे भेजो, बैंकों से क्यों भेजते हो, जिन्होंने जनाब कहा था कि इनको फेंटा लगा दो, 126 दिन का जिन्होंने धरना दिया, जिन्होंने पार्लियामेंट का ना जंगला छोड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खैर से सलवारें सूख रही थीं, तो वो कह रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। उनसे एक दिन का सरकारी मुलाजमीन का वो धरना बर्दाश्त नहीं हुआ। माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ कि मैं पुलिस भी, वो ठीक है कि आर्डर की पाबंद होती है। अब शेख साहब फरमा रहे हैं कि अगर अपोजिशन वाले आए इनके एहतजाज में तो इनका नुकसान होगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पीटीआई आप अपने पिछले दौर में देख लें, 2013 से 2018 जहाँ भी कोई धरना होता था यंग डॉक्टर्स का, जाके पीटीआई के दोस्त वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ पक्के बैठ जाते थे, तो वहाँ वो सियासत नहीं होती थी। यहाँ जब अपोजिशन वाले, यही जब यंग डॉक्टर्स पंजाब में धरना दे रहे होते थे, पंजाब में एहतजाज कर रहे होते थे, तो पीटीआई पूरे करोफर के साथ उस एहतजाज में शामिल होती थी। और उन्हीं यंग डॉक्टर्स ने जब पिशावर में इनका नाक में दम किया, उस वक्त वो हाईकोर्ट में कभी जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, तो कभी किस तरह, तो खान साहब बैठ के हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और अब तो जाहिर है अपोजिशन भी उसी तरीके से सियासत करेगी जिस तरीके से उस वक्त आपने सियासत की, कि जहां पर भी मुलाजमीन का एहतजाज हो, जहां पर भी डॉक्टर्स का एहतजाज हो, जहां पर भी कोई एहतजाज हो, आप जाके बैठ जाते थे जनाब, और बहुत ही हमदर्दी जताते थे। आपने 126 दिन का धरना किया और वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, पहले उनको कहा गया। अच्छा, ये आज का मामला नहीं है, ये मामला बड़ा पुराना है। ये पहले भी 2 महीने पहले इस एहतजाज को परवेज खटक साहब के उनकी यकीन दहानी पर इसको मौखर कर दिया गया था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और इस दौरान कुछ और भी एहतजाज होते रहे।
इस दौरान ख़वातीन का यानी नर्सेस का, कुछ और भी टीचर्स का, इनका एहतजाज हुआ, उन पर लाठी चार्ज हुआ बाकायदा, उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इस दौरान वो फिर चले गए, तो अब जनाब उनको 40% की बढ़ाने का फिर उसके वादा किया गया, फिर उसकी वादा खिलाफी की गई, फिर कहा कि जनाब वो 24% बढ़ाएं, फिर कहा कि 1 से ग्रेड 16 तक का बढ़ाएंगे माफ़ कीजिएगा, और हम सिर्फ और सिर्फ उनका बढ़ाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी एक आपको मैं बड़ा मज़े की बात बताऊं, कह रहे हैं कि जनाब हम सिर्फ उनका बढ़ाएंगे कि जो लोग वफाक के ज़ेर एहतमाम आते हैं, सूबे जाने उनका काम जाने। वो 18वीं तरमीम के बाद वो खैर से सूबे जो है ना वो आल इन आल हैं। अब यहाँ पर 18वीं तरमीम के फवायद नज़र आने लगे हैं और यहाँ पर 18वीं तरमीम के फवायद को कैश करने लगी है हुकूमत। हालांकि यही हुकूमत कह रही है कि 18वीं तरमीम तो को मुल्क दुश्मन है, लेकिन अब वो उनको चूंकि नज़र आ गई थी जनाब हम वफाकी मुलाजमीन। अच्छा, वफाकी मुलाजमीन भी पहले वो कहते हैं कि हमें कहा गया था कि 1 से 22 तक तमाम का 40% बढ़ाएंगे, अब वो कहते हैं 1 से 16 तक बढ़ाएंगे, ग्रेड 1 से 16 तक, और उनका भी 24%, और फिर वो और भी कुछ उसकी इनकी ऐसी शरायतें कि फलां 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 में कटौती होगी। अच्छा, बहुत सारी अब उनके लीडर्स को, जो लीडरान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि कल फिर एहतजाज होगा। तो ये एक इस तरह की सूरत हाल है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को किसी भी हवाले से कोई टैकल करने की, यानी उनका ये सूरत हाल होती है कि हर एक चीज़ को धौंस से, हर एक चीज़ को मुक्काबाजी से, हर एक चीज़ को दादागिरी से, मैं माजरत के साथ कहूँगा, इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मुज़ाकरात ना किए जाएँ, यानी ना कोई मुज़ाकरात, ना कोई अमली इकदाम किए जाएँ, ना कोई कुछ भी ना किया जाए, वो नहीं करने। लेकिन उसके आ जाए जनाब, मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ कि मुझे एक व्यूअर ने कतर दोहा से उन्होंने एक वीडियो भेजी, वो वीडियो देख के मैं बहुत ही हैरान हुआ। उन्होंने कहा जनाब नकवी साहब ये आवाज़ उठाएं और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये पहुँचाए। तो मैंने कहा चले मैं आवाज़ तो उठा देता हूँ और ये जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भी हो सकता है कि ये चीज़ पहुंच जाए, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने जिस चीज़ का नोटिस लिया, उन्होंने चीनी का नोटिस लिया, चीनी गायब हो गई, महंगी भी डबल हो गई, उन्होंने बिजली का नोटिस लिया, बिजली गायब, उन्होंने गैस का नोटिस लिया, गैस गायब, उन्होंने दवाइयों का नोटिस लिया, दवाइयाँ गायब। तो जिस चीज़ का वह नोटिस लेते हैं वज़ीर आज़म साहब, वो गायब भी हो जाती है और वो महंगी भी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो अब क्या करूँ, अब मैं दुआ करूं कि अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब नोटिस लें और अल्लाह करे कि इस नोटिस पे कोई ऐसा यू टर्न लगे कि उनके मसाइल को हल हो जाएं। इस तरीके से मसला क्या है, उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर की उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कतर दोहा में और बाकायदा पूरी हिस्ट्री बताई उसमें, और उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर, उसका रकबा दिखाया, बहुत बड़े रकबे पर वो बना हुआ है दोहा में, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर। और खुद जाहिर है वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि सेहत पे लगानी है पैसे, एजुकेशन पे लगाने, वो आज भी कहते हैं ना अपने लोगों पे लगाने, ये और बात है कि उन्होंने लोगों पे लगाते लगाते उन्होंने BRT पिशावर पे लगाए, और BRT पिशावर जो 49 अरब की बननी थी वो 100 अरब क्रॉस कर गई है, बनी फिर भी पूरी नहीं है अभी तक, रोजाना फिर भी बसें जल जाती हैं। अच्छा, अब वो रुकने के बाद फिर भी जल रही हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये 30-35 साल पहले बना, ये बना कैसे, वो कहते हैं कि ये हमारे खून पसीने से बना, वो फलां एक शख्स साहब आए थे, वो चंदा लेने आते थे, वो सफारतकार का कहा कि वो जनाब चंदा लेने आते थे, हम सब ने अपना पेट काट के चंदा दिया और इस जनाब पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर को खड़ा किया। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनका एक तालीमी इदारा है, जाहिर है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको, आज वो कहते हैं वह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दाखिले नहीं मिल रहे, आज वो कहते हैं भाई कोरोना का माहौल है, सफारत खाना का उन्होंने उस नोटिस भी दिखाया एक उस वीडियो में, और वो कह रहे हैं कि सफारत खाना कह रहा है कि कोरोना का माहौल है और आपने नहीं आना, सफारत खाना बंद है, और आपको पता है जैसे वो नंबर दिए जाते हैं, 1-2 नंबर उन्होंने दिए, वो कहते हैं नंबर हम घुमाते हैं, कोई रिस्पांस ही नहीं करता, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई रिएक्शन अपना हृदय अमल नहीं होता और किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आता। तो कहते हैं कि जनाब हमें ये कहा गया कि आप फरवरी की एडवांस फीस जमा करवाएं, नहीं तो आपके बच्चों को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा। और कहते हैं कि किसी वजह से किसी के वालदैन पे पाकिस्तान गए तो वो वहाँ वालिद फंस गया तो वापस नहीं आ सका, तो यहाँ पे उनके बच्चे हैं, वालदा के साथ रह रहे हैं, तो उनके पास पैसे नहीं हैं, और किसी का कुछ है मामला, कारोबार यहाँ पे ठप्पे हैं,
और उसके अलावा जो है ना नौकरियों का भी ऐसा मामला है कि वो फिर वो इसी हवाले से कोरोना का आपको पता है सारी सूरत हाल का कि लोगों के कारोबार भी ठप हैं, नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि जनाब के उन्होंने हमारे बच्चों को इम्तिहान में बैठे हुए बच्चों को जिनकी फीस एडवांस नहीं आई थी, कहते हम साल साल की फीस दे चुके लेकिन सिर्फ एक महीने की नहीं दी, उनको भी खैर से इम्तिहान से जो है ना वो उठा के बाहर फेंक दिया बच्चों को। और वो कहते हैं कि हमें उसके दाखिला नहीं मिले। मैं खैर एक बात है कि यहाँ पर तो ये सूरत हाल है ना कि हम ये तो बड़े फख्र से कहते हैं, इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे होते हैं बड़ा सीना तान के कि देखें जनाब रेमिटेंसेस बहुत ही रिकॉर्ड की आ रही हैं, हम उनकी रेमिटेंसेस पे बड़े खुश हैं कि वो जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं ना वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अब इसके साथ जब जो उनकी प्रॉब्लम है बेचारों की वो हमने हल नहीं करने, उन प्रॉब्लम्स को हमने किसी भी हवाले से हमने जो है ना रिजॉल्व नहीं करना, एक मोबाइल तक लाने की उनको इजाज़त नहीं है, एक मोबाइल जनाब वो लाएं तो उनके ऊपर एक मोबाइल चले होता ना कोई अयाशी के लिए बेचने के लिए इस तरीके से, तो कहते हैं एक मोबाइल अगर आ रहा हो बंदा और वहां अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने माँ बाप के लिए एक मोबाइल लाए वो भी इजाजत नहीं है, उस पर भी टैक्स पड़ जाता है और फिर आप कितना पड़ता है वो मैं पहले से उसकी डिटेल बता चुका हूँ। तो कह रहे हैं इसका इतना बड़ा रकबा है, इतने सारी ग्राउंड्स पड़ी हैं, अगर क्लासेस में जगह नहीं है, वो कहते हैं कि हमने मैं आपको बताऊं कि और किन किन कम्युनिटीज को किन किन कौमों को किन किन लोगों को तो एडमिशन मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा, और ये हमारे खून पसीने से बनी हुई बिल्डिंग है, पैसे हमने दिए हैं, ये वाली बात। और मैं कहता हूं कि अगर पैसे नहीं थे अगर ये तीसरी स्टोरी पर आने से पहले मैं यही कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि लोगों पे लगाएं, मैं जब आऊंगा तो पैसे अपने लोगों पर लगाऊंगा, ये सड़कों पर नहीं लगाऊंगा, ये जंगला बसों पर नहीं लगाऊंगा, ये फलां पर ना, वो पैसे अपने लोगों पर पाकिस्तान के अंदर लगे, पाकिस्तान के अंदर भी मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, मैं आपको कहता हूँ यहाँ भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, यहाँ भी एजुकेशन का वही हाल है, यहाँ भी सेहत का वही हाल है, यहाँ हालात ये हैं कि जिसकी मर्जी आती है अपने वो मुझे मेरी खैर सराइकी स्पीकिंग है लेकिन मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है तो आई थिंक इस तरह से मैं कहीं गलत ना बोल जाऊँ, जैसे ना अकबूला बादशाही है, अकबूला बादशाही से मतलब आप एक जैसे अंधेर नगरी नहीं होती, जैसे अन्नी मचाई है, आप बैंकों ने जनाब ये हाल कर दिया है कि बगैर स्टेट बैंक की इजाज़त के हर तकरीबन सारे बैंक्स ने इस तरह से ये हाल कर दिया है कि वो कहते हैं कि जनाब वो जो प्रिंट करते हैं ना वो रसीद, जब आप ATM से पैसे निकालें माफ कीजिएगा, और जो रसीद की प्रिंटिंग किसी ने 2.5 रुपए किसी ने 3 रुपए किसी ने 5 रुपए तक लेना शुरू कर दिया, ये हालात हैं, ये हालत है यहां पर। अब जनाब वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, एजुकेशन पर लगाने के लिए पैसे नहीं है, सेहत पर लगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जब पैसे लगाने हो MPAs को देने हो, जब MNAs को तरक्याती फंड्स देने हो, वो फंड्स, मैं ये तीसरी खबर पे आ गया हूं, जो वाट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की, जो वाट लगाई है वजीर आजम साहब की सुप्रीम कोर्ट ने, 27 जनवरी को जनाब PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास हुआ, 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स की मद में दिए जा रहे हैं MNAs को MPAs को, और दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हकूमती MNAs को हकूमती MPAs को पंजाब असेंबली में, क्या बात है जनाब। अब अगर फंड्स देने हैं तरक्याती फंड्स तो फिर सबको दें, और अगर नहीं देने और फिर कब उसकी टाइमिंग देखें, सेनेट के इलेक्शंस आ गए हैं, सेनेट के इलेक्शन, यानी खान साहब कह रहे हैं कि ये तो बेजमीर लोग हैं, ये तो बेशरम लोग हैं, ये तो इस तरीके से जमीर बेचते हैं, अपोजिशन को लथाड़ दिया, PDM को लथाड़ दिया, खुद सेनेट के इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले उन्होंने जनाब फंड्स जारी करने का अहकाम जारी कर दिए, अब 3 फरवरी इस तरीके से एडिटोरियल भी आए, डॉन का एडिटोरियल भी इस पे लिखा गया, बाकी खबरें भी तमाम अखबारात ने तमाम TV चैनल्स ने सब ने बताया, मैंने इस पे वीडियो भी की थी कि जनाब 50 करोड़ रुपए जो है ना, इसको अपोजिशन भी उसने भी शोर मचाया कि देखें ये सियासी रिश्वत नहीं है तो और क्या है। अब आप और सबसे बड़ी बात यू टर्न लिया गया कि खान साहब तो कहते थे इनको क्यों फंड्स देते हैं, इनका काम तो लेजिस्लेशन करना है, इनका काम तो कानून साजी है, आपने फंड्स देना है तो मकामी नुमाइंदों को दें,
जो मकाम बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, फंड्स तो उनको दें। जो बल्दियाती हुकूमतों के नुमाइंदे थे उनको खैर से मिल गया, मेट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक था नून लीग से और ऊपर हुकूमत आ गई पीटीआई की, इस वजह से वो नून लीग वाले बल्दियाती नुमाइंदे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नून लीग का तो एक मेयर नहीं बर्दाश्त हुआ यहाँ पे, इस्लामाबाद में 3 दफ़ा उसको सस्पेंड किया, वो बेचारा खैर से रिजाइन ही कर गया खुद से। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, 3 फरवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने नोटिस लिया, उन्हें कहा कि ये क्या है फंड्स। अब उसके बाद उन्होंने भिजवा दिया केस के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कि जी आप बेंच तश्कील दें। बेंच तश्कील दिया गया, 5 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, ये 5 रुकनी बेंच। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने वो उन्होंने कहा कि आप ज़रा बताएं कि किस कानून के तहत, और आप ज़रा बताएं कि क्या कानून और आईन के मुताबिक ये फंड्स जारी हुए हैं। अब जमा करा गया अदालत, वो अदालत में आज उसकी पहली पेशी थी, तो अदालत में जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के दस्तखतों से जवाब जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जवाब रिजेक्ट कर दिया, वो जो रेस्पॉन्स था, वो जो रिप्लाई था, रिप्लाई रिजेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा, अब अदालती सवालात के जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि अदालती सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, लगता है वज़ीरे आज़म साहब ने फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। अब सेक्रेटरी खजाना को ये जवाब जमा कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के दस्तखतों के साथ, अच्छा सिंध के सिवा बाकी तमाम सूबों ने जवाब जमा कराया, सिंध को भी ये कहा गया कि आप रिटर्न जवाब जमा कराओ। सिंध के वकील ने कहा कि जनाब हमने तो जो है ना, सिंध ने किसी एमपीए को कोई तरक्याती फंड जारी नहीं किए, तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो भी अपना रिटर्न जवाब जमा करवाएं। इस तरह से पंजाब को भी कहा गया कि आप भी, क्योंकि पंजाब वालों ने भी तो वहाँ भी तो तरक्याती फंड जारी हो गए हैं जनाब, और ये तरक्याती फंड सेनेट से पहले हुए हैं। अब जनाब अगर वो कह रहे हैं या तो बिल्कुल कंट्रडिक्शन कर देना, बिल्कुल इनकार कर दें कि हमने तो ऐसे, यानी कि खबरें छपी और खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा, बाकी जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने, सब ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोज जनाब अटॉर्नी जनरल साहब आते हैं और जनाब वो बैठ जाते हैं और जनाब वो एक एक चीज़ की वजाहत करते हैं। यहाँ पर खबरें छपी भी सही, खबरें आई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी, हर जगह पर एडिटोरियल भी आए, लेकिन किसी ने भी, यानी शिबली फराज साहब ने, वजीर इतलात साहब ने कोई कंट्रडिक्शन नहीं की कि जी हम तो फंड्स नहीं दे रहे, बल्कि हमें याद है ये कल की बात है कि उन फंड्स को खैर से फरोख हबीब साहब और बाकी लोग उसका दिफा करते रहे, उसका दिफा करते रहे उन फंड्स के इजरा का। अब वो फंड्स जो है ना गले की हड्डी बन गए हैं कि अब वो जनाब बताना पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट कि किस कानून के तहत, जिस कानून का क्या उसका कानूनी और आईनी तरीका अख्तियार किया गया है। भाई अगर किया गया है तो वज़ीरे आज़म के दस्तखतों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दस्तखतों के साथ जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा कि जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो कोई सियासतदान तो नहीं होता, कोई पार्टी का हेड तो नहीं होता, वो तो एक ब्यूरोक्रेसी का हेड है, वो तो ब्यूरोक्रेट है, तो वो तो इस तरीके से आप वज़ीरे आज़म के दस्तखत, सेक्रेटरी खजाना जमा करवाएं और वज़ीरे आज़म के दस्तखतों के साथ जमा करवाएं। यानी ये वो चीज़ है कि आप कहें कि जनाब ये तो बेज़मीर लोग हैं, ये तो बिल्कुल वोट बेचते हैं, और वो तो किसी ने अगर पैसे देते हैं ना और वो कोई वोट लेता है या वोट बेचता है तो कम से कम उनके पैसे तो अपने जाती होते हैं। सवाल ये है कि आप तो इस तरीके की सियासी रिश्वत मुबैना दे रहे हैं और फिर भी कौमी खजाने को टीका लगा रहे हैं अरबों रुपए का, 50-50 करोड़ रुपए एक एक रुकन को आप तरक्याती फंड की मद में, और सेनेट इलेक्शन से चंद दिन पहले अगर जारी करें तो इससे क्या है कि ये क्या वोट खरीदने की कि क्या कोशिश नहीं है, ये क्या सियासी रिश्वत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब, और कल इसकी फिर समाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।